यूपी चुनाव से पहले अखिलेश की साइकिल यात्रा, महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बरसे अखिलेश। भारत की अध्यक्षता में कल यूएनएससी की बैठक, अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा और निरीक्षण। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 207 अंकों की बढ़त के साथ खुला। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी की शानदार जीत, ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। आगरा में 136 मीटर पर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर, प्रशासन ग्रामीणों की नहीं कर रहे मदद। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमतों, किसान कानून और अन्य कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाली है। वह लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर से अपनी साइकिल पर निकले और जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ बढ़े। यूपी के सभी जिलों में तहसील स्तर तक ये साइकिल यात्रा निकाली गई और इस मौके पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता इस साइकिल यात्रा में पहुंचे हैं और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है और इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाली है। वह लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर से अपनी साइकिल पर निकले और जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ बढ़े हैं। यूपी के सभी जिलों में तहसील स्तर तक ये साइकिल यात्रा निकाली गई है और इस मौके पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी साइकिल यात्रा में पहुंचे हैं और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ जमकर अपना रोष व्यक्त किया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली और इसमें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के अनीस राजा और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से आगामी विधानसभा भी चुनाव भी नजदीक आ रहा है, कितना असर पड़ने वाला है इसका? हाँ जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की जो पटकथा है वो लिखी जा रही है और लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और इसके लिए समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो और चाहे कांग्रेस हो, अन्य सभी पार्टियां लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार भाजपा पर निशाना साध रही हैं, लगातार बेरोजगारी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी भी मौजूद हैं जिनको लगातार विपक्षियों द्वारा उठाया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि ये सरकार को जो है वो बदला जाए। अखिलेश यादव ने भी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में जितनी भी अनियमितताएं हुई थी उन पर सवाल खड़े किए, जिस तरीके से ऑक्सीजन की अनुपलब्धता थी उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो अभी से अपने कील काटे को दुरुस्त करने में तैयार है और साथ ही साथ जितनी भी खामियां हैं वो अपनी पार्टियां दुरुस्त कर रही हैं और जितने भी वर्ग हैं जाति गणित बैठाने के लिए भी सारी कोशिश जो है वो विपक्ष द्वारा जो है वो की जा रही है। आज जो साइकिल यात्रा थी, साइकिल यात्रा के माध्यम से अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं चुनाव को आज फूंक दिया है और अपनी हवा दे दी है समाजवादी पार्टी की साइकिल को। आज इस तरीके से जिस तरीके से आज ये जो यात्रा निकली है, कहीं ना कहीं प्रिया बताना चाहूंगा कि ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि जनेश्वर मिश्र की जो जयंती थी वहां तक आज जाना था, जनेश्वर मिश्र पार्क तक सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने जिसकी अगुवाई करी, तो इस साइकिल यात्रा के माध्यम से कई ऐसे मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई समेत जिन मुद्दों का आज अखिलेश सरकार ने, अखिलेश यादव की पार्टी ने और पुरजोर तरीके से उठाया है। प्रिया जी, शहबाज जिस तरह से बताया कि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है सपा का, और ऐसे में क्या लगता है जिस तरह से साइकिल यात्रा ये निकाली गई उसमें युवा चेहरे भी बहुत दिखे हैं, बड़ी तादाद में युवा लोग भी शामिल हुए हैं, क्या कुछ लगता है इससे?
हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं आज साइकिल यात्रा की, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि युवाओं का जो रोल रहा वो बहुत ही अहम रोल रहा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन आज देखने को मिला समाजवादी पार्टी की ओर से, उससे साफ जाहिर होता है कि आज युवाओं में कहीं ना कहीं काफी गुस्सा है और काफी रोष व्याप्त है। चाहे वो बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे वो बढ़ते पेट्रोल की कीमतें ले लीजिए, चाहे वो खाद्य पदार्थों की कीमतें ले लीजिए, तो आजकल आज का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं महंगाई पर आकर पूरी तरीके से टिक चुका है और महंगाई के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। और युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा जो आज बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रिया। हालांकि आज 5 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने भी आज अन्य योजना के तहत देश प्रदेशवासियों को संबोधित किया, वो अपने संबोधन में उन्होंने भी सत्ता विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि 7 दशकों से यूपी को सिर्फ यूज किया गया है, सिर्फ इस्तेमाल किया गया है एज अ वोटर, सिर्फ यहाँ की पब्लिक जो है वो इस्तेमाल हुई है। यूपी का जो विकास है वो रुक गया था, लेकिन अब जो योगी मॉडल है उससे जो उत्तर प्रदेश है वो आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अपना पक्ष रख रही है। आज का दिन, आज का इवेंट बहुत बड़ा हो जाता है प्रिया, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष बीजेपी थी तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी सपा थी, तो दोनों ने एक दूसरे पर कहीं ना कहीं हमले बोले हैं, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा प्रिया कि आने वाले दिनों में जो जनता है उसका मूड किस ओर जाता है, जनता क्या चाहती है, जनता का क्या मूड है, ये तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे प्रिया। लेकिन जिस तरीके से आज साइकिल यात्रा निकली, ये काफी अहम यात्रा मानी जा रही है और जिसके जरिए आज अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद भी फूंक दिया है प्रिया। जी अशहबाज, क्या लगता है साइकिल यात्रा के जरिए क्या सपा एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर आमजनों तक पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है ऐसे में जिस तरह जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के बहाने ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की भी कोशिश की जा रही है? जी जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जब से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हुई है, सभी पार्टियों ने चुनावी गणित बैठालना बिल्कुल अभी से शुरू कर दिया है। सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की बात करी जाए तो साल 2019 में ही वो जो परशुराम जयंती और परशुराम की जो मूर्ति लगाने की जो बात हुई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी इसमें कूद जाती है, वो भी ब्राह्मणों की बात करती है और वो भी सम्मेलन लगाने की बात करती है। और लगातार आज भी देखा गया कि सतीश चंद्र मिश्रा, जिसकी बसपा ने जिसको अगुवाई दे रखी है, आज उन्होंने लखीमपुर पहुंचकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो बसपा की ओर से आयोजित किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, आज एक बार फिर से सतीश चंद्र मिश्रा ने वहां पहुंचे और कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है ब्राह्मण प्लस दलित प्लस मुस्लिम इक्वल टू सरकार, ये एक सूत्र है जो उत्तर प्रदेश में सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगाती हैं। कहीं ना कहीं इन सब की जो आबादी है और जो इन सब की जनसंख्या है कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की और मुस्लिम की और दलित वर्ग की, वो काफी मायने रखती है प्रिया। इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी जातीय गणित के आधार पर ये उत्तर प्रदेश का खेल जो है वो जीतने की कोशिश में है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी के सभी जिलों में तहसील स्तर तक ये साइकिल यात्रा निकाली गई है और इस मौके पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस रजक के सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस साइकिल यात्रा में पहुंचे और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ जमकर अपना रोष व्यक्त किया है। वहीं बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमतों, किसान कानून और अन्य कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाले और इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाली है। वह लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर से अपनी साइकिल पर निकले और जनेश्वर मिश्र पार्क तक बढ़े और यूपी के सभी जिले में तहसील स्तर तक ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। वहीं औरैया में प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। वहीं साइकिल यात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हजारों की संख्या में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकाला है और इस दौरान पूर्व सांसद प्रदीप यादव, पूर्व मंत्री समेत हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। औरैया शहर के सुभाष चौराहे से विशाल साइकिल जुलूस निकालते हुए पूर्व सांसद और सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। इस सरकार में जो समाज को वोट लेकर चली गई, वादा कर, एक भी वादा पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, एक भी वादा नहीं किया और आप देख रहे हैं इतना भ्रष्टाचार
एक भी कोई सड़क पर गड्ढा नहीं हुआ। डीजल की आप देख रहे क्या रेट है, पेट्रोल क्या रेट है, गैस सिलेंडर के क्या रेट है, कड़ुआ तेल कहाँ रेट पहुँच गया, किसान की आय दोगुनी की वादा किया था, किसान बेचारा त्राईवान त्राई कर, नौजवान को रोजगार का वादा किया, एक रोजगार नहीं, रोजगार छीने और जाए। इसके वहीं शाहजहांपुर जनपद के कलान तहसील क्षेत्र बाराकला ग्राम पंचायत में सांसद विधायक और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा अन्न योजना के तरफ तहत फ्री राशन वितरण के साथ हर राशन कार्ड धारक को फ्री बैग वितरित किया गया है। प्रदेश सरकार गरीब जनता के हित के लिए नवंबर माह तक फ्री राशन वितरण करने का यह संकल्प लिया गया था। उसी के साथ 5 अगस्त को अन्न योजना दिवस उपलक्ष्य में वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में समाज के गरीब व्यक्तियों को राहत पहुंचाई जाएगी। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभार्थियों को 5 किलोग्राम खाद्य निशुल्क वितरित कराए जाने का संकल्प भी लिया गया था, जिसको आज पूरा कराया जा रहा है। सिद्धार्थनगर के विकास खंड जोगिया में प्रेरणा महिला स्वयं सहायता समूह संघ ने एक दिवसीय शांतिपूर्वक बैठक की। NH 28 जोगिया नौगढ़ मार्ग पर बाग में बैठक किया गया और इस बैठक में समूह संघ की विकास खंड क्षेत्र के गांव स्तर से सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया है। महिलाओं ने संघ में उपस्थित होकर अपना दर्द सुनाया और जिला प्रभारी गॉड पिंक के जिला अध्यक्ष रेखा देवी ने संघ में आई महिलाओं की समस्याओं को संकलन करने की बात कही है। साथ ही 12 सूत्री मांग पत्र पर ADO NRLM को सौंपा गया है। वही मांग पत्र पर ADO NRLM ने आश्वासन देते हुए कहा है कि संबंधित विभाग से संपर्क कर जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिला प्रभारी गौर पिंकी जिला अध्यक्ष रेखा देवी ने संघ में आई महिलाओं के समस्याओं को संकलन करने की बात कही और साथ ही साथ आपको बता दें कि 12 सूत्री मांग पत्र ADO NRLM को सौंपा गया है। वही मांग पत्र पर ADO NRLM ने आश्वासन देते हुए बताया है कि संबंधित विभाग से संपर्क कर जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाएगा। वहीं सिद्धार्थनगर में तैनात जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीमा चौकी चेरगवा के जवानों ने सीमा स्तंभ के पास भारत नेपाल सीमा पर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मोटरसाइकिल द्वारा अवैध रूप से भारत से नेपाल प्रतिबंधित सामान की तस्करी करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि सीमा चौकी चेरिगवा के जवानों ने सीमा स्तंभ के पास से भारत नेपाल सीमा पर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मोटरसाइकिल से अवैध रूप से भारत से नेपाल प्रतिबंधित सामान की तस्करी करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थनगर उसका बाजार थाना क्षेत्र में नदी में डूब रहे युवक को बचाने के लिए 2 युवक नदी में कूद गए, जिसके बाद उस युवक की जान बचाई गई है। इस बहादुरी के लिए प्रशंसा भी की गई। तो सिद्धार्थनगर से आपको ये खबर बता रहे जहां पर उसका बाजार थाना क्षेत्र में एक युवक नदी में डूब रहा था, जिसको बचाने के लिए 2 युवक नदी में कूद पड़े और उसकी जान बचा ली गई। आपको बता दें कि इस बहादुरी के लिए लोगों ने युवकों की काफी प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश होने से बेतवा और यमुना नदी उफान पर है। वहीं दौलतपुर समेत अन्य स्थानों में बारिश से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई क्यूसेक पानी यमुना नदी में आ रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ने से यमुना और बेतवा दोनों नदियां खतरे के निशान पर पहुंचने वाली है। वहीं हमीरपुर में वर्तमान में यमुना नदी का जलस्तर 103.680 मीटर पर है। यमुना नदी 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से दूर बची है। वहीं बेतवा नदी का भी जल स्तर कई मीटर तक पहुंच चुका है। यह नदी भी अपने खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर है। जिला प्रशासन नदी के किनारे बसे हुए गांवों को लगातार अलर्ट कर रहा है। तो आपको बता दें कि दौलतपुर समेत अन्य स्थानों में बारिश से चंबल नदी का जल स्तर काफी बढ़ चुका है। 65,825 क्यूसेक पानी यमुना नदी में आ रहा है और लगातार जलस्तर बढ़ने से यमुना और बेतवा दोनों नदियां खतरे के निशान पर पहुंचने वाली हैं। वहीं हमीरपुर की बात की जाए तो वहां पर भी वर्तमान में
यमुना नदी का जलस्तर 103.680 मीटर पर है। यमुना नदी 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से सिर्फ दूर बची हुई है। वहीं बेतवा नदी का भी जलस्तर कई मीटर तक पहुंच चुका है। ये नदी भी अपने खतरे के निशान पर पहुंचने से कुछ ही बची हुई है और जिला प्रशासन नदी के किनारे बसे हुए गांव को लगातार अलर्ट कर रहा है। वहीं आगरा में 136 मीटर पर चंबल नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। 2019 में 136.1 और 1996 में 136.60 पर यह पहुंच चुका था। वहीं चंबल में बाढ़ के चलते बाव और पीनाहट के 40 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। वहीं 10 गांव डूब भी चुके हैं। पीनाहट के उमरैठापुरा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। ग्रामीणों ने ऊंचे टीलों पर पलायन किया है। वहीं प्रशासन की तरफ से खाने पीने व तंबू के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ आ रही है, कोई सरकार का साधन नहीं था, जनता बहुत परेशान है, ऊँचे ऊँचे ढेरों पे पूरा काम निकल गया। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सामान निकाल रहे, सब छतों पर रख रहे हैं, जंगल में भेज रहे, क्या करें? आपके यू सर या कोई सुनाई नहीं है, ना कोई आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।